हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, तीन टॉपिक्स कवर करने के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक लिखा हुआ है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टाइप के या इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। एक तो या तो वर्ड प्रॉब्लम में आ जाते हैं या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मीन या मीडियन या मोड का, या इसकी किसी एक की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए इसे डिस्कस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेशो प्रोपोर्शन से पहले मैंने इस टॉपिक को रखा है मीन, मीडियन एंड मोड को। ठीक है, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो इंशाल्लाह बाकी जो आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन है उसको अभी आप भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक मैंने लिखा है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो अगर मैं बुकलेट की बात करूँ तो इस बुकलेट में आपका पेज नंबर है 36। ठीक है, 36 पेज नंबर पे पहले तो आपकी डेफिनेशंस मिलेंगी कि मीन, मोड और मीडियन की डेफिनेशन क्या है या रेंज की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मीन के मीडियन के अलग अलग से आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले तो हम लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जिस टाइप के क्वेश्चंस या डिफरेंट कैटेगरीज के, या अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात करूं तो वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं मीन, मीडियन या मोड के, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी पहले तो थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि मीन, मीडियन और मोड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो बुकलेट में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 36 पे कंप्लीट इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है मीन, मीडियन एंड मोड की, और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आप बुकलेट से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस लेक्चर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है मीन। ठीक है, तो मीन हम किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन। ठीक है, तो मीन को हम सिंपली एवरेज भी कहते हैं, मतलब मीन को हम क्या कह सकते हैं, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। अगर आपसे मीन पूछा जाए या एवरेज पूछा जाए बात सेम ही होती है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, यानी मीन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज, यानी जितनी भी डेटा आपको गिवन होगी उसका आप सम करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, मीन का। यही तो फॉर्मूला एवरेज का होता है, तो इसके लिए मीन को हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो मीन आपसे पूछा जाए या एवरेज पूछा जाए बात सेम ही होती है। ठीक है, तो मीन के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, जितनी भी डेटा आपको गिवन होगी, हम प्रॉब्लम करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, जितनी भी डेटा आपको गिवन होगी उस डेटा का आप सम करेंगे और जितनी डेटा आपकी होगी उस नंबर से आप डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही है बात। उसके बाद अगर सेकंड डेफिनेशन आती है मीडियन की। ठीक है, तो मीडियन हम किसे कहते हैं, ये मीन की डेफिनेशन याद करिएगा, उसके बाद है आपकी मीडियन। ठीक है, तो मीडियन हम किसे कहते हैं, मीडियन हम कहते हैं द मिडिल वैल्यू, द मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा इज नोन एज मीडियन। क्या कहते हैं हम, द मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा, द मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा, द मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा, डेटा की मिडिल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। समझ आ रही बात। अब देखें आपकी जो नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है, या तो आपका नंबर ऑफ डेटा इवन हो सकता है या तो आपका नंबर ऑफ डेटा ओड हो सकता है। जैसे आपको डेटा गिवन हो, अगर आपको 5 डेटा गिवन है तो ओड हो जाएगी, अगर आपको 6 डेटा गिवन है तो आपको 6 यानी इवन नंबर हो जाएगा। तो अगर आपको इवन डेटा गिवन है, क्या इवन डेटा गिवन है, तो मिडिल नंबर के मिडिल में जो भी दो नंबर्स आएंगे उनका आप एवरेज करेंगे, यानी आपका नंबर 1 n1 प्लस n2 दोनों नंबर्स का आप एवरेज फाइंड करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको डेटा इवन में गिवन है, अगर आपको डेटा इवन में गिवन है तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो मिडिल वाले नंबर होंगे तो n1 और n2 दोनों नंबर्स का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका मीडियन हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये तब जब आपका यानी डेटा आपकी क्या हो, इवन हो, और उसके बाद ओड, जब आपकी डेटा ओड हो यानी 5 नंबर्स हो, 7 नंबर्स हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो मिडिल नंबर होगा वो ही उसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, यानी मिडिल नंबर, यहाँ पे से मिडिल डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, पहले इनकी आप डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लें। तो मीन हम किसे कहते हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी भी डेटा आपको गिवन होगी उनका सम करेंगे डिवाइड बाय उतने नंबर से ही करेंगे, यानी एवरेज ही फाइंड करेंगे। उसके बाद मीडियन, मीडियन हम किसे कहते हैं, द मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा, यानी मिडिल वैल्यू, किसी भी डेटा की मिडिल वैल्यू। अगर आपको डेटा इवन में गिवन होगी तो आप मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, n1 यानी मिडिल में जो नंबर्स होंगे उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको डेटा ओड में गिवन होगी तो आप सिंपल क्या करेंगे, मिडिल नंबर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाता है मीडियन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आती है मोड की। ठीक है, डेफिनेशन किसकी, मोड की। तो मोड हम किसे कहते हैं, मोड हम किसे कहते हैं, मोड हम कहते हैं किसी भी डेटा में जो नंबर ज्यादा रिपीट होगा, किसी भी डेटा में जो नंबर ज्यादा रिपीट होगा उस नंबर को हम क्या कहते हैं,
मोड, मतलब ऐसा कह सकते हैं मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन डेटा, नंबर इन डेटा, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन डेटा, मतलब जो डेटा में ज्यादा नंबर रिपीट होगा उस नंबर को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जितनी बार नंबर रिपीट होता है वो मीडियन वही मोड वही टिक करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो नंबर ज्यादा रिपीट होगा उस नंबर को हम कहते हैं, जितनी बार रिपीट होगा वो मोड नहीं होता, जो नंबर ज्यादा रिपीट होगा वही आपका मोड कहलाता है। अब देखें, अब किसी भी डेटा में आपको मोड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, यानी दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे कि मोड इसका कोई भी नहीं है, मतलब मोड नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और मोड दो नंबर्स भी हो सकते हैं, सपोज करें आपको एक डेटा गिवन है जिसमें एक नंबर भी रिपीट हो रहा है सेम टाइम, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे मैं कहूं 1 2 2 1 4 5 6। अब इस डेटा को देखें, इस डेटा में आप देख सकते हैं कौन से नंबर ज्यादा रिपीट हुए हैं, 1 भी 2 टाइम्स आया है तो 1 भी मोड होगा, 2 भी 2 टाइम्स आया है तो 2 भी मोड होगा, मतलब किस डेटा में दो मोड्स भी हो सकते हैं और मोड नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे मैं अगर कहूं आपसे 2 5 7 9 10, अब बताओ इस डेटा का मोड क्या होगा, तो मोड हम किसे कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, तो इसमें ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो रिपीट हो रहा हो, तो मतलब इसका मोड क्या हो जाएगा, नो एनी नंबर, मतलब मोड नहीं हो सकता, इस डेटा का मोड नहीं होगा, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको चीजें कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इनकी डेफिनेशन आप याद करिएगा। अब यही डेफिनेशन मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूं, ठीक है। अब देखें, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुकलेट के, वो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं उसके बाद ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है, वो है रेंज। तो रेंज हम किसे कहते हैं, क्योंकि रेंज के भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो रेंज हम किसे कहते हैं, रेंज हम कहते हैं हाईएस्ट, यानी जो डेटा आपको गिवन होगी उस डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, क्या रिपीट कर रहा हूं फिर से, जो डेटा आपको गिवन होगी उस डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, उस हाईएस्ट वैल्यू में से आप सबट्रैक्ट करेंगे लोवेस्ट वैल्यू, यानी उस डेटा की कम अज कम जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो मतलब रेंज हम किसे कहते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, जो डेटा में आपको गिवन होगी उस डेटा की हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी, ठीक है। तो रेंज की आप डेफिनेशन याद करिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मीन के, मीडियन के एंड मोड के, तो बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी और डेफिनेशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें नंबर 37, पेज नंबर है आपका 37, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है द एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, द एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन क्लास और, ठीक है, आपको एजेस गिवन है, कौन सी एजेस है आपको, 12, 14 इयर्स, 15, 13 एंड आपका 11। फाइंड द मीन एज ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की मीन एज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जब भी ऐसी डेटा आपको गिवन होगी तो मीन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो डेटा आपको गिवन होगी उस डेटा को आप एड करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, आपको मीन चाहिए तो मीन का मतलब एवरेज ही होता है, तो इस कंप्लीट डेटा को आप ऐड करें, क्या करेंगे, 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 11, कंप्लीट डेटा को आपने ऐड किया, मतलब सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देखें डेटा कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आप 5 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 65, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 65, और 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा। तो यहां से आपको जो मीन मिलेगा वो मीन क्या होगा, 65 को 5 से डिवाइड करें तो ये होगा 1, 6 पे 5 की टेबल 1 टाइम जाएगी, 5 आगे दें तो ये होगा आपका 3, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो, यानी मीन जो इसका होगा वो क्या होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए मीन मीडियन या मोड के, तो आप इजीली क्या करेंगे, जो डेटा आपको गिवन होगी उस डेटा को आप ऐड करें, जितनी नंबर ऑफ डेटा होगी उसे आप नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मीन का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो चीजें हैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नंबर 2, द स्कोर ऑफ 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स का जो स्कोर है इन टेस्ट आर, ठीक है, स्कोर आपको गिवन है क्या है, 80, 85, 90, 75,
88 and 92 फाइंड द मीन स्कोर, फाइंड द मीन स्कोर। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है मीन स्कोर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मीन के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर आप खुद निकालें। मीन के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, जो डेटा आपको गिवन है उसे ऐड करें, ठीक है। तो मीन के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, जो डेटा आपको गिवन है उसे आप ऐड करें। तो ऐड करेंगे तो ये 80, 85 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 88 प्लस 92, कंप्लीट डेटा आपने ऐड करी। अब डिवाइड करेंगे उसी ही नंबर से, कितनी डेटा है 1 2 3 4 5 6, आपको 6 डेटा गिवन है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो 510 और 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां से जो आपको आंसर मिलेगा मीन का, वो आंसर मिलेगा 85, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मीन आपको समझ में आ गया, मीन जब आपको डेटा गिवन होगी, सिंपल सीरीज में क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें इतना मुश्किल क्वेश्चन मीन या मोड या मीडियन के नहीं आते। अब सिंपल ऐड करें उस डेटा को, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीडियन का, ठीक है। तो मीडियन हम किसे कहते हैं, अब मीडियन के लिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नंबर आपका 38 बुकलेट का, ठीक है 38, इसमें आपका क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3, द टेस्ट स्कोर ऑफ 8 स्टूडेंट्स, द टेस्ट स्कोर ऑफ 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स का जो टेस्ट स्कोर है वो आपको गिवन है, कौन सा है, 85, ठीक है 85 and 90, 75, 88, 88, 90, 85 and 92, फाइंड द मोड ऑफ टेस्ट स्कोर, फाइंड द मोड ऑफ टेस्ट स्कोर। अब ये जो टेस्ट स्कोर आपको गिवन है, इसका सिंपल आप क्या फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे, सॉरी मोड नहीं, मीडियन, ठीक है। इसका आप सिंपल क्या करें, मीडियन फाइंड करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे मीडियन के लिए जो आपको डेट्स, तो ये क्वेश्चन है आपका, अब इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन के लिए आप सिंपल क्या करें, मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, जो डेटा आपको गिवन है इस डेटा को आप फिर से रिपीट करके लिखें। आपको डेटा कौन सी है, 85 90 75 88 90 85 90 and 92, ये आपको डेटा गिवन है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है मीडियन, अब आपको फाइंड क्या करना है, मीडियन। तो मीडियन में मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक बात ये थी आप डेटा देखें इवन है या ओड है, अगर डेटा ओड होगी तो मिडिल नंबर आपका मीडियन हो जाएगा, अगर डेटा इवन होगी तो मिडिल में दो नंबर्स आएंगे, उन दो नंबर्स अगेन आप एवरेज करेंगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो आप डेटा देखें, आप डेटा यहां से देख सकते हैं कि आपको जो डेटा गिवन है, आप इसे कैंसिल करें, इसे कैंसिल कर दें, ठीक है, फिर इसे कैंसिल करें, तो यहां से देखें आपको डेटा कौन सी, दो नंबर्स बीच में आ गए, ठीक है। तो दो नंबर्स जब भी आएंगे तो इसका मीडियन कैसे फाइंड करें, वैसे आप काउंट करेंगे तभी आपको वो इवन ही मिलेगी, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इवन में है। तो इवन में मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर आपको बीच में मिलेंगे उनका आप अगेन एवरेज करेंगे, तो इन दोनों नंबर्स का आप एवरेज करें, तो एवरेज करेंगे तो 88 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 88 को जब आप 90 में ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आपको जो आंसर मिलेगा वो तो 178 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जब आप 2 से डिवाइड 9, ठीक है, तो 89 जो है ये इस डेटा का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी ऐसी डेटा आपको गिवन हो जिसमें ये इवेंट्स हो या ओड नंबर्स हो, अब देखें जब आपको ओड नंबर गिवन हो, जैसे आपको ये हो 4 10 11 17 19 21, ठीक है। अब देखें, अब डेटा को काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 से तो एक और बढ़ा दें ताकि इसे आप ओड कर दें, ठीक है। अब आपने इसे ओड कर दिया, अब आपको कहे कि इस डेटा का आप मीडियन बताएं, तो इस डेटा का मीडियन आप बनाएंगे तो 4 इसमें कैंसिल करें, 10 इसमें कैंसिल करें, 11 इसमें कैंसिल करें, तो मिडिल नंबर एक ही बचा, तो ओड में क्या होता है, मिडिल नंबर एक ही बच रहता है, तो इस डेटा का जो मीडियन हो जाएगा, इस डेटा का मीडियन क्या होगा, 17 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप सिंपल क्या करेंगे, डेटा में देखें, डेटा में इवन है ओड है, तो आप सिंपल मीन या मीडियन इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मोड के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, मीडियन जब आपको डेटा इवन में हो तो आप सिंपल एवरेज करके फाइंड करेंगे, जब आपको डेटा यानी ओड में हो तो आप सिंपल जो मिडिल नंबर बचेगा वही आपका मीडियन कहलाता है, ठीक है। अब मोड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मोड मतलब ये होता है, मोड का मकसद ये होता है जो नंबर ज्यादा रिपीट होगा, जिस डेटा में जो नंबर ज्यादा रिपीट होगा उस नंबर को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप याद करके इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। अब देखें द टेस्ट स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द टेस्ट स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स,
हाँ ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का जो टेस्ट स्कोर है वो स्कोर आपको गिवन है 10, 15, 41, 15, 10, आपका है 50, 61 एंड 55। ठीक है, आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45 एंड 35। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स का आपको स्कोर गिवन है। ठीक है, अब इसमें आपको सिंपल क्या करना है, फाइंड द मोड ऑफ टेस्ट स्कोर, फाइंड द मोड ऑफ टेस्ट स्कोर। अब आपको इस टेस्ट स्कोर का क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए मैंने आपको सिंपल क्या बताया था, जो नंबर ज्यादा रिपीट होगा वही नंबर आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो इस डेटा में देखेंगे कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिंपल इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, मोड यानी फाइंड करना है इस टेस्ट स्कोर का। तो मोड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मोड हम उस नंबर को कहते हैं उस डेटा में वो नंबर जो ज्यादा रिपीट होगा, जो ज्यादा फ्रीक्वेंट नंबर होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं 10 कितनी बार आ रहा है, 10 टू टाइम्स। ठीक है, और आप कह सकते हैं यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ज्यादा इससे रिपीट हो रहा हो, तो इसमें आप कह सकते हैं इस डेटा में जो मोड होगा, इस डेटा का मोड 2 नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जितनी बार रिपीट होगा, मतलब 1 टाइम 2 टाइम्स आया तो मोड 2 कर देते हैं, मोड 2 नहीं होगा। मोड क्या होगा, जो नंबर ज्यादा रिपीट होगा, तो 10 इस डेटा का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर सपोज करें ऐसे दो नंबर आ जाए तो सेम ही रिपीट हो रहे हो, जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10, 15, 15, 10, 20, 22 एंड 25, ये डेटा आपको गिवन है। अब अगर आप इससे पूछे कि इसका मोड बताओ, तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसमें 10 भी 2 टाइम्स आया है और 15 भी 2 टाइम्स आया है। तो मतलब इस डेटा का जो मोड होगा, तो मोड के लिए मैंने आपको बताया था मोड 2 टाइम्स भी हो सकता है, यानी 10 भी हो सकता है और 15। तो इस डेटा के मोड्स 2 हो सकते हैं, 10 भी होगा 15 भी होगा। और अगर ऐसी डेटा भी आ सकती है जिसमें मोड ना भी हो, मतलब ऐसा कोई नंबर ही ना हो जो रिपीट ना हो रहा हो, जैसे मैं कहूँ आपका ये नंबर हो 7, ये डेटा हो 11, 15, 19, 22, अगर ये डेटा आपको गिवन है, तो यहां से आप देख सकते हैं ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। अगर कोई नंबर डेटा में रिपीट नहीं होगा, तो यहां से आपका जो मोड निकलेगा, तो मोड इसका क्या होगा, नो एनी मोड। तो आप क्या लिखेंगे, नो एनी मोड, इस डेटा में कोई भी मोड नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है आपको डेटा गिवन हो, उस डेटा में 2 मोड्स भी हो सकते हैं, 1 मोड भी होगा और मोड नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मीन, मीडियन एंड मोड के ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। अब हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, द मीन ऑफ 10, 12, 16, 20, p एंड 26 इज 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, अब देखें अगर इस डेटा का क्या, इस डेटा का आपको क्या गिवन है, मीन गिवन है। इस डेटा का आपको मीन गिवन है 17 है, तो आप बताओ इस पी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो इसका मीन क्या बन जाए, 17 बन जाए। मतलब आपको इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दें, 10, 12, 16, 20, p एंड 26। ठीक है, तो जितने नंबर्स हैं उस नंबर से आप डिवाइड करेंगे। मीन का ये फॉर्मूला होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। अब मीन तो आपको गिवन है, मीन क्या है 17, तो इस मीन की जगह 17 रखें, इस सारे नंबर्स को ऐड कर दें। ठीक है, तो इस सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो होगा 84 प्लस पी को छोड़ दें डिवाइड बाय 6। अब 6 को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या करेगा, 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 84 प्लस पी इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 17 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 84 प्लस पी इज इक्वल टू, यहां से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 102। ठीक है, 102 होगा, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहां से आपको पी की वैल्यू चाहिए, तो इस 84 को उस साइड शिफ्ट कर दें, तो जब आप उस साइड शिफ्ट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या होगी, 102 माइनस 84, मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको मीन तो गिवन होगी लेकिन बीच में किसी भी डेटा में यहाँ पे आपको एक्स या वाई की वैल्यू पूछ सकता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो, वाई हो, या आपको कोई भी नंबर पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो इस कैटेगरी का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब आपको नंबर्स गिवन है, इस नंबर्स में आपको क्या बताना है, मीडियन बताना है। आपके नंबर्स जो है वो है आपका 55, 53, 56, 59, 61, 69 एंड 31, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप पहले काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ओड है। अगर ओड है तो मिडिल वाला जो नंबर होगा वो आपका मीडियन कहलाता है। तो मिडिल वाला नंबर कौन सा होगा, इसे आप कैंसिल करते जाएं, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो नंबर है ये आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो इस सीरीज का यानी इस डेटा का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 59 होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अब इसमें है क्वेश्चन, अब इसमें आपको जो डेटा गिवन है वो आपको डेटा गिवन है 95, 65, 70, 75, 100, 50 and 40। ठीक है, अब इसमें आप मुझे कंप्लीट बताते जाइएगा कि इसका मीन क्या होगा। पहले तो आप इस क्वेश्चन का मीन फाइंड करेंगे, मीन क्या होगा, देन आप इसका फाइंड करेंगे मोड। ठीक है, तो इसका मोड क्या होगा और इसका मीडियन क्या होगा, ये तीनों चीजें आप मुझे लाजमी बताइएगा कि मीन क्या होगा, मोड क्या होगा या मीडियन क्या होगा इस डेटा का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है मीन मीडियन एंड मोड का फर्स्ट लेक्चर है, स्टार्टिंग लेक्चर, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, इसे आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, जितनी भी डेफिनेशंस है उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मीन मीडियन एंड मोड के वर्ड प्रॉब्लम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।